और तो ये वो कोने कोने वो खातून कौन है जो जिन्होंने अच्छा सोशल मीडिया में भी खासी फेमस है काम भी बहुत कर रही है लेकिन उन्होंने ये बोला है कि ये जो प्लेयर्स है ना ये मेरा जीना हराम कर रहे हैं ऐसे नहीं बोला था मैंने मैंनेट <laughs> किया है लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मुझे मैसेजेस करते हैं और मुझसे मिलने की बात करते हैं मेरे साथ खाना खाने की बात करते हैं इस तरह की उन्होंने बात की है तुम लोग बारह शॉट में हो सादिया से और मैं हूं फवाद मुस्तफा मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस नेदरलैंड्स अब एक्सपेक्टेशंस तो ये है कि मैच जरा वन साइडेड ही रहेगा क्योंकि साउथ अफ्रीका बहुत जबरदस्त खेल हां ये पिछली साल भी हमने साथ किया था प्रोग्राम मैं यही एक्सपेक्टेशन थी और नेदरलैंड ने ऐसा कर दिया था कि जब के तोते थे। तोते थे। तोते थे उनके भी और हमारे भी क्यों, हमारे अच्छा हुआ था जिस तरह साउथ अफ्रीका खेल रहे मेरे ख्याल से मौजूद से कम नहीं होगा उनका राइट लेकिन इससे पहले कि आवाम की राय पर जाए शुएब अख्तर ने बड़ी तारीफें की हैं और कहा है कि अफगानिस्तान टीम जिस तरह से खेल रही है बहुत अच्छा खेल रही है उनके जो स्पिनर्स है बड़ा अच्छा कर रहे हैं मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं बट ये सारी चीजें तो उन्होंने कह दी हैं बट आई हैव वन थिंग टू से डज ही हैज़ एनी फॉर द मॉडर्न क्रिकेट दैट वी डोंट सी इन पाकिस्तान साइड अच्छा हम सब जितने भी लोग हैं ना मुझे भी मिला के ज्यादातर जा रहे होते हैं प्रॉब्लम बताने पे सोल्यूशन के लिए हमारे पास ज्यादा बातें होती नहीं सोल्यूशन की तरफ अब जाना होगा मॉडर्न डे क्रिकेट मॉडर्न डे क्रिकेट हम यहाँ बैठे हुए कैमरे के सामने हम किसी प्लेयर को आइडेंटिफाई करें जो अपनी जितनी सोर्स से हम देखते हैं उसके बाद ये जो ग्रेड्स हैं जिन जो किसी ना किसी फ्रेंचाइज के साथ काम कर रहे हैं या किसी डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं ये एक प्लेयर पकड़े क्योंकि हॉकी भी खत्म हुई स्कोश भी खत्म हुई जिन लोगों को इस मुल्क ने नवाजा था जो फाइनेंशियली तगड़े भी थे उन्होंने अपने खेल के साथ टीवी पर आके तो बड़ी बात की पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं खिदमत करना चाहते हैं फ्री में खिदमत नहीं की फ्री नहीं? में इन अ वे एक लड़के पे कितना लाख रुपए खर्चा आएगा यूट्यूब से इधर उधर से करोड़ों कमा रहे हैं

आपका आप क्या चाहता है कोई भी क्रिकेटर जो क्रिकेट छोड़ देता है वो क्या चाह रहा होता है वो ये चाह रहा होता है कि दुनिया उसे जानती रहे मैं मानती रहे पहचानती रहे ये एक और वे होगा मेरे ख्याल में किसी भी एक्स क्रिकेटर के लिए कि उसको आ, एक तो याद रखा जाएगा लोग समझते रहेंगे वो काम कर रहा है नए लोगों को लेकर आ रहा है तो इट इज़ काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर कि लोग आपको बार बार याद करते रहे कि वो कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं और दूसरी शादियाँ एक और बात ये है कि हमारे बोर्ड का भी जो स्ट्रक्चर है ना उसको बेहतर करना होगा ये तरीका नहीं है तीन तीन छः महीने बाद किसी को चेंज कर दें। तो किस बेसिस पे लेके आ रहे हैं ये डिसाइड कर लें, फिर ले आ रहे हैं, उसे टाइम दें। कोई आपके साथ काम नहीं करना चाहता कोई आपके साथ आना नहीं चाहता क्योंकि पता ही नहीं उसे होगा क्या कोई सिस्टम नहीं बनता एक सिस्टम बनता नया बंदा आता मिसाल दे लेना जो मतलब गंगुली है या राहुल द्रविड है रवि शास्त्री सिस्टम ये वो प्लेयर्स हैं जिनको हम क्रिकेट खेलते हुए देखते हुए आए हैं और ये वो फेमस नाम है जो आज क्रिकेट में इंडिया को सर्व कर रहे हैं आप अगर चाहते हैं कि आपके प्लेयर्स आपको सर्व करें तो आपको सिस्टम को इतना क्लीन एंड टाइडी एंड ईजी बनाना पड़ेगा कि लोग अपने आप को इसलिए नहीं पीसीबी uh, से जोड़ना चाहते हैं क्योंकि एक तो कंट्रोवर्सी साथ में जुड़ जाती है ना नो बडीट टू बी इन एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी दे पॉजिटिव अटेंशन तो कोई भी बंदा नहीं चाहता कि उसके साथ कोई कंट्रोवर्सी अटैच हो हर कोई पॉजिटिव अटेंशन लेना चाहता है अगर आप अपने प्लेयर्स को पॉजिटिव अटेंशन ऑफर करेंगे वो क्यों नहीं आपको सर्व करना चाहेंगे या बच्चे नहीं लेकर आना चाहेंगे तो आई थिंक पीसीबी का एक बड़ा रोल ये है कि पहले तो अपने जो सिस्टम है स्ट्रक्चर उसको बेहतर करें ताकि लोग आपके साथ जुड़ना आपके साथ काम बेहतर से करना पसंद करें हैविंग सेड दैट यू हैव समथिंग टू से की आवाज पहले ठीक है और नीदरलैंड का मैच है कौन सी टीम जीत रही है निदर्ण जीजाएगे। निदर्ण जीजाएगे। जी। 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 क्या नाम है? उसका नाम है साउथ अफ्रीका जीत रही है साउथ अफ्रीका की टीम से कोई आज साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स का मैच है कौन सी टीम जीत रही है साउथ अफ्रीका की टीम से कोई फेवरेट प्लेयर है चल रहा है वो भी अभी डी कोक चल रहा है सेंचुरी हर मैच में ठोकी है उसने साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स का मैच है कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप साउथ अफ्रीकाउथ अफ्रीका की टीम से कोई फेवरेट प्लेयर है है अगर सेंचुरी मारता तो साउथ अफ्रीका दोबारा मैच जीत रहा है ना जी बिल्कुल जीतेगा साउथ अफ्रीका को वजह वो मेरी फेवरेट है कोई फेवरेट प्लेयर है साउथ अफ्रीका की टीम से भी है और माइक्रम भी है और uh, और डेविड मिलर साउथ अफ्रीका नीदरलैंड्स का मैच है आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो साउथ अफ्रीका को तो अफ्रीका का कोई फेवरेट प्लेयर है आपका आ, मिलर मिलर हाँ जी तो ये जैसे आवाम की आवाज़ है वो मेरी भी आवाज़ है सादिया की आवाज़ भी है मुझे नहीं लगता सादिया शायद नैदरलैंड को सपोर्ट कर दें कहें कि वो जीत जाएगा मैं तो साउथ अफ्रीका के साथ जा रहा हूँ इसीलिए मैंने पहले कहा कि जी मैं पहले ये बात कह दूँ वरना फिर होता ही है कि इन्होंने कह दिया कल मुझे श्रीलंका लेनी पड़ गई थी ज्यादा हो गई मेरे साथ

जैसे हमने हॉकी में या ये सारे क्रिकेटर्स कहते थे कि जी मैं ओलंपियन हूँ तो क्रिकेटर कहते थे मैं टेस्ट क्रिकेटर हूँ तो अब वो इंटरनेशनल क्रिकेटर तो कहता है लेकिन उसकी ख्वाहिश होती है एक आध टेस्ट खेल जाए जैसे हरिस भी खेल गए हाँ। क्रिकेटर कहलाऊ तो वो जब ओलंपियन कहलाएगा ना तो उसको वो टेस्ट क्रिकेट की तरफ एक और चीज

मैंने किया है लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मुझे मैसेजेस करते हैं और मुझसे मिलने की बात करते हैं मेरे साथ खाना खाने की बात करते हैं इस तरह की उन्होंने बात की है अच्छा मैं ये जानना चाह रही हूँ कि यार इतना प्रेशर है इंडिया में एशिया कप फारिक टाइम मिल नहीं रहा अभी अभी उनकी शादियां हुई हैं मतलब वाइफ को टाइम स्पेंड करने के लिए हो नहीं रहा ये कफ मैसेज करते रहे हैं उन बिचारी को तंग करते रहे अच्छा ये बहुत ही बुरी चीज है कि आप मैचारों का नाम ले दें अच्छा अच्छा का नाम भैया आपको अगर कोई कर रहा है उसका नाम ले आप बताएं अब लगेगा ये कि जी आप मशहूरी के लिए कर रही हैं या तो आप आए सामने और आके बात करें वरना सीधी सीधी बात की लगेगी कि आप मशहूरी के लिए कर रही हैं और मोहतरमा जो सूरत अंदाजे नहीं इस वक्त जिस प्रेशर में लड़के हैं ना वो तो बेचारे अपनी हाल को इतना आसान नहीं होता पाकिस्तान टीम के साथ आप खेल रहे हैं वर्ल्ड कप में गए हैं आपको कोई मैसेज नहीं कर रहा मुझे नहीं लगता अगर कर रहे हैं है। तो सामने ले आए मुझे नहीं लगता की कोई आपको मैसेज करेगा क्यों करेगा तो मैसेज ले आए तो वेटिंग फॉर योर मैसेज तो इट्स पे सिर्फ यही कहेंगे कि, कि कल के मैच का आप बता दे जाते-जाते फिर एक बार ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका जीतेगा अगर आप नेदरलैंड्स लेना चाहें तो कोई मसले की बात नहीं, नहीं ले है ऑलरेडी दो नेदरलैंड साउथ अफ्रीका जीतेगा और मेरे ख्याल से वन साइडेड ठीक है मुझे लग रहा है उड़ा के रख देना नेदरलैंड्स को लेट्स सी उड़ा के रखते हैं या नहीं इसी पे लगाएंगे शर्त बाय